गेस कीजिए लॉकडाउन में सबके घर में सबसे ज्यादा बनने वाली मिठाई का नाम। क्या गेस किया? हाँ भाई, गुलाब जामुन। किसी ने आटे के गुलाब जामुन बनाए, किसी ने दूध के साथ मैदा गूंद के बनाए, हर एक ने कितने गुलाब जामुन के एक्सपेरिमेंट ही कर डाले। सबने मुझसे पूछा, आपने अपनी गुलाब जामुन की रेसिपी अभी तक हमारे साथ नहीं शेयर की। तो मैंने सोचा, चलिए आज आपके साथ गुलाब जामुन की रेसिपी शेयर करती हूँ। गुलाब जामुन बनाने के लिए सबसे पहले तो मैं चाशनी पकाने चढ़ा दे रही हूँ, और चाशनी के लिए लेंगे हम चीनी, तो ये 1.5 कप मैंने चीनी ले ली है, और इसमें 1.5 कप ही पानी भी डालूंगी, और ये 1:1 के रेशियो में चीनी और पानी मिला के मैं इसे पकाने के लिए चढ़ा दूंगी। ये चाशनी पकेगी, 1 तार की चाशनी चाहिए हमें। जब तक चाशनी पकती है, चलिए गुलाब जामुन की तैयारी करते हैं। तो ये 250 ग्राम मेरे पास खोया है, और इस खोए को मैं अपने हाथ से क्रम्बल कर लूँगी। इसे बहुत ज़्यादा मैं मैश नहीं करूँगी, बस अच्छे से क्रम्बल कर लूँगी। इसे निकाल लीजिए एक साइड पे, और अब मैं ले रही हूँ पनीर। इस पनीर को हम बहुत अच्छे से मैश करेंगे, एकदम फाइन मैश कर देना है हमें इसका। खूब इसे आप कायदे से मसल लीजिए अपने पाम के साथ। अब देखिए मैं क्या कर रही हूँ, एक आपको बहुत आसान तरीका सिखा रही हूँ अपने खोए और पनीर का मेजर बनाने के लिए। तो जितना मेरे पास ये खोया है, उसका 1/4 मैंने पनीर ले लिया है, और 1/4 ही मैं यहाँ पर मैदा ले लूँगी। सो लाइक दिस, ठीक है? देखिए, दैट्स इट। 4 भाग खोया, 1 भाग पनीर और 1 भाग मैदा। और अब इसको मैं नीड कर लूँगी, इसका एक स्मूथ डो बना लूँगी, और अगर ज़रूरत पड़ी, अगर ये बहुत ड्राई होने लगा, तो आप इसमें 1 टीस्पून दूध या पानी भी मिला सकते हैं। एक और चीज़ मैं इसमें डालूँगी, और वो है ये 1 चुटकी खाने वाला सोडा। ये मीठा सोडा ये इसको थोड़ा कुरकुरा बनाएगा। और फ्लेवरिंग के लिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ये इलायची का पाउडर भी। और आप इसे नीट कर लीजिए, इसका एक डो बना लीजिए, और इस डो को नीट करके आप 5 मिनट के लिए बस छोड़ दीजिए, ताकि ये थोड़ा सा रेस्ट कर सके। और डो रेस्ट हो चुका है, इसे लेमन साइज बॉल्स में आप तोड़ लीजिए और रोल करके रख लीजिए। ध्यान बस इस बात का देना है कि इसके ऊपर कहीं पे कोई भी क्रैक्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि जहाँ भी क्रैक्स रह जाएंगे ना, ये वहीं से फटेगा। तो इनके बॉल्स को आप रोल करके निकाल लीजिए। तो इसी तरह से मैं ये सारे बॉल्स प्रिपेयर कर लेती हूँ। तो ये गुलाब जामुन के बॉल्स तो रेडी हो गए, और अब मीडियम हॉट ऑयल में मुझे इन बॉल्स को ऐड करना है। और जैसे ही मैं इन्हें ऐड करूँगी, मैं गैस को तुरंत स्विच ऑफ कर दूँगी। तो साइड से इनको रोल करते जाइए। गैस को मैं बंद कर चुकी हूँ, और अब किसी स्पून के बैक से आप बस इनको हल्का सा पुश कीजिए, चलाइए नहीं, जस्ट गिव देम अ नज, ताकि ये अपनी जगह पर घूम जाएं। एंड अब मैं वापस से गैस ऑन करूँगी, और इनको गोल्डन ब्राउन होने तक तल लूँगी। गुलाब जामुनों को मैंने गोल्डन तल लिया है। गुलाब जामुन है ना, तो गुलाबी रंग का ही निकालेंगे। That's it. और अब हम इसको रेस्ट करने देंगे तकरीबन 2 मिनट के लिए, एंड देन वी विल ऐड दिस टू द चाशनी। एक बेसिक रूल याद रखना है, या तो हमारी चाशनी बहुत गर्म होनी चाहिए, या गुलाब जामुन गर्म होने चाहिए। दोनों में से एक चीज़ गर्म होगी और एक चीज़ ठंडी। तो ये चाशनी भी 1 तार की पक चुकी है। अगर मैं 1 ड्रॉप चाशनी का अपने हाथ के बीच में लूँ, एंड आई लिफ्ट इट अप लाइक दिस, मेरे पास यहाँ पर एक ये तार बननी चाहिए। तो अगर ये तार पड़ती है, तो ये चाशनी रेडी है।
और अब इसमें मैं ये गुलाब जामुन ऐड कर देती हूँ। और अब इस चाशनी में इन गुलाब जामुन को हम सोख होने देंगे तकरीबन 40 मिनट के लिए या आधे घंटे के लिए। आप देखेंगे ये और फूलते जाएंगे और उसके बाद आप इसे थोड़ा सा और गुनगुना कीजिए और गर्मा गर्म सर्व कीजिए। अब बताइए, मैंने गुलाब जामुन बनाने भी आपके लिए आसान कर दिए ना। अब तो कहिए, आसान है ना। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कितनी देर भाई, बस तुरंत अभी कर लीजिए। और हाँ, लाइक करना और ये बेल दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा।